गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एस फॉर सक्सेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 25 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिजिटल कार्ड योजना कहाँ शुरू की गई है? तो डिजिटल कार्ड योजना चंडीगढ़ में शुरू की गई है। फ्रेंड्स, ये नीचे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको देख लेना, वीडियो को पॉज करके इनको देख लेना, ठीक है। मैं इन पर इतना फोकस नहीं करूँगा, तो आप इनको देख लेना एक बार वीडियो को पॉज करने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने नई उड़ान योजना को शुरू किया है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने नई उड़ान योजना को शुरू किया है। दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता गया है? तो 23 अगस्त को मनाया गया है। NCERT द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है? कितने के पास नहीं है? 27% के पास नहीं है। किस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटीज नामक नई पहल शुरू की है? एक्सिस बैंक ने। किस कंपनी ने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की? गूगल ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेज को पट्टे पर देने की मंजूरी दे दी है? गुवाहाटी, जयपुर, तिरुवनंतपुरम। तो गुवाहाटी और जयपुर को दे दी है, प्रयुक्त दोनों को। संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन में किस भारतीय ने हिस्सा लिया है? ओम बिरला। किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है? अमेरिका ने दी है। भारत ने जापान और किस देश के साथ एक त्रिपक्षीय सप्लाई चैन रेजिलेशन इनिशिएटिव पहल शुरू की है? ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश ने एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? तुर्की ने। किस देश में हुए तेल रिसाव में मदद करने के लिए भारत ने 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे थे? मॉरिशस। इजराइल ने पहली बार किस देश के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की? तो यूएई के साथ शुरू की थी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। किस देश में फॉर्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप आयोजित की गई है? पोलैंड में की गई है। किसने विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। फ्रेंड्स, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। डिजिटल कार्ड योजना कहाँ शुरू की गई है? चंडीगढ़ में की गई है। किस मंत्रालय ने नई उड़ान योजना को शुरू किया है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने। दास व्यापार उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 23 अगस्त को।
NCERT द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है? तो 27% के पास नहीं है। किस बैंक ने गिग अपॉर्चुनिटीज नामक नई पहल शुरू की है? एक्सिस बैंक ने। किस कंपनी ने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है? गूगल ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अडानी एंटरप्राइजेज को पट्टे पर देने की मंजूरी दे दी है? गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम, तीनों को। संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन में किस भारतीय ने हिस्सा लिया है? ओम बिरला ने। किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है? अमेरिका ने दी है। भारत ने जापान और किस देश के साथ एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजुलेशन इनिशिएटिव पहल शुरू की है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? तुर्की ने। किस देश में हुए तेल रिसाव में मदद करने के लिए भारत ने 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं? मॉरिशस। इजराइल ने पहली बार किस देश के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की है? यूएई के साथ। किस देश में फॉर्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड आयोजित की गई है? पोलैंड। किसने विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।